Hey everyone, this is Khurram Khan and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज का vlog जो है बहुत ही मजेदार और काफी time बाद shoot होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा university life in Ramzan. यूनिवर्सिटी लाइफ होती है रोजे में, आप लोग कुछ लोग सो रहे होते हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं. रिलेटेड आज का सीन है हमारा और व्लॉग मैं आप लोग के लिए खास लेकर आया हूँ. सो गाइस तैयार रहिए, पूरा व्लॉग जरूर देखिएगा, आप लोगों को मजा आएगा. ये आ गए हैं साहब जो काले नजर आ रहे हैं अभी. उन्होंने बहुत लेट किया है और क्लास होती है हमारी हमारी 8:15 पे और हम यहाँ पे पहुँचे हैं 9:15, मतलब 8:46 पे. ऑलवेज लेट बिकॉज ऑफ दिस गाय और इट्स रमजान. सो आपको पता है जैसे हम सैरी के बाद सोते नहीं है और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी आते हैं, लेकिन मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मैं सो गया तो मेरी आंख नहीं खुल रही. सो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए लेकर आऊँ यूनिवर्सिटी लाइफ इन रमजान की. यूनिवर्सिटी की लाइफ कैसी होती है रमजान में, तो यहाँ पे ये बंदा यहाँ उतर जाएगा मुझे बेवफा बनकर. बेवफा आप यहाँ उतर सकते हैं, रमजान है. अस्तग़फ़िरुल्लाह. सो गाइस ये है हमारी पार्किंग, बड़ी ही प्यारी शानदार पार्किंग है. लगा रहा हूँ गाड़ी अपनी थोड़े आगे. सो आप देख सकते हैं बोरी बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग बहुत दूर है और बेवफा साहब है वो उतर चुके. तो यार यही बोलेंगे कि रमजान में आप उसको ख्याल कीजिए, अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का. तो मैंने ख्याल किया, मैंने अपने दोस्तों को बोला यार तुम उतर जाओ, अभी मैं खड़ी करके आया था, वापसी में तुम लेकर आओगे. तो इस व्लॉग में देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा. सही अभी वो पता है हम क्लास के लेट हो गए हैं और ये फजूल का बज रहा है. ये हमारी लिफ्ट है, ये आसान है और हम क्लास के लेट हो गए. जल्दी आ जाओ. और रमजान में लिफ्ट इस्तेमाल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस शख्स के लिए. अच्छा तो लिफ्ट मांग रहे हैं. या मुझे ये थोड़ा सजेशन दो कि आई एम लुकिंग गुड इन दिस स्टाइल और I should open my curtains. You should change your face. बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो. Just मैं कुछ कह नहीं रहा क्योंकि रमजान है. Control. हमारे साथ ये सीन होता है, हमारी 3rd फ्लोर पर क्लास होती है, वहाँ लिफ्ट ही नहीं जाती. ये आप देख सकते हैं रोज़े में यही है, सुलोक होते हैं हमारे साथ. पीने नहीं पानी क्यों, रमजान है ना, भूलिए यार. जैसे व्लॉग बनाने वाले हैं, पहले व्लॉग बना रहे हैं, मुझे लग रहा है व्लॉग बना रहे तो पहले वीडियो पानी नहीं माफी बोलने चाहिए चीज पराठा याद आ रहा है. और मुझे ना शहरी में खाई हुई बिरयानी याद आ रही है, तुम मुझे ला के दे, मैं खाऊंगी पक्का. चलो ना हमारा तुम्हारी कोको मोती तार पे चलो, चीज पराठा खिलाने वाले मैं बोल रहा हूँ एक बात बोलूँ, आप चीज पराठे की बात करो, इजाजत तो ले लो चीज पराठा खाने की पहले. छोटी बच्ची हो ना, मैं सब बच्ची करो, छोटी बच्ची हो मैं साथ रहा करो. कोई भी मुलाकात में तार का वक्त हुआ जाता है, तार हिलने का वक्त हुआ जाता है, दीगर शहरों के अफराद अपने मकानों में उतने तारे रोजा रोजा तार के अंदर हमारा आप कुछ बोलना चाहेंगे टीचर टीचर और 1 2 3
इतना नहीं पता, इसको नहीं पता, चलो भाई। सो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी यूनिवर्सिटी में वाली पहली इंगेजमेंट हमारे सेमेस्टर किसकी है, वो सरप्राइज है, वो आप लोगों को अगले ब्लॉग में बताना है। बाय खुर्रम एंड हमजा, वी गोना ऑर्गेनाइज इट। सो आप रेडी हैं, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करें, किसकी एंगेजमेंट होने वाली है, क्या पता ये हो, ये छोटी बच्ची होगी। इस पर इल्जाम है कि क्लास में लड़कियां छेड़ता है, कैसे छेड़ता था बताना, लोगों को सारी चीज पढ़ना ये आप लोग पढ़ने आते हैं या क्या करने आते हैं? माशाल्लाह, अब हमें सुनाने वाली है वीडियो जिसका नाम है जो है बहुत इम्पोर्टेंट, घोड़ा घोड़ा अटल था गधा के लिए, गधे को देखते हैं हम रोज, गजब बेइज्जती है। ये रमजान में यूनिवर्सिटी बुलाते हैं और फिर असाइनमेंट दे दिया, ये बहुत गलत है, और ईद है 4 दिन बाद फिर असाइनमेंट दे दिया, इससे बात करेंगे थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। छुट्टी खट्टा खट्टा और मीठा है, तब से आए तब से बर्फी भी बर्फी भी डालता दीदी में ताकि आप खुश हो जाए, तुम तो चुप ही हो जाओ, मैं तो सवाल नहीं करते बैग लेने आई हूँ, रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यहाँ पे इन लोगों की तफरिया चल रही है और क्लास वगैरह उधर के थोड़े गेम्स वगैरह खेलते हैं और आपको दिखा रहे हैं, साथ रहिएगा पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं और हम यहाँ पे तफरी करने आते हैं, आप देख सकते हैं प्रूफ बेटा, कुरानदानी में आया हूँ, तू बोलना नहीं, मुझे आसमान नीचे रमजान है गाइस, बहुत गर्मी है, रोजा लग रहा है इस बंदे को, रोजा लगते लगते बीमारी हो गई, मुझे कोरोना हो गया। रमजान में कैंटीन नजर आती है, ये कहाँ से आ बैठ जाए, आप बैठ जाए, नहीं आएगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, हम समझ रहे हैं ना कौन सी रखती है, है तो बहुत सारी, कौन सी रखती है रमजान, क्या हो रहा है ये, आप क्यों नहीं उठा रही, किस खुशी में उठा रही, जाके उठा रहे, कभी बोल नहीं, तो बच्चों ने भी थोड़ा काम किया, अब उनका बच्ची ने भी काम किया थोड़ा, ये लगा देना, एक मिनट तुम्हारी इस बात के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, ऑर्डर ही बनवाना पड़ेगा, सो गाइस आपको एक ऐसी खबर देने वाले हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली पिक्चर जो इस बंदे की है वो हमदा आपको दिखाएंगे, हमदा दिखाएं वो पिक्चर, ये देखिए, ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो और कुछ भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, यूट्यूब हो, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेंड है, वो इकरा यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी के मेन पेज पे भी रह चुकी है, अगर ये प्रे बॉय आपको कहीं नजर आए तो
कौन इधर टीम बनना है, आपको प्रोटेक्शन चाहिए 100%। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो और कुछ भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, यूट्यूब हो, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेटफॉर्म है, वो इकरा यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी के मेन पेज पे भी लग चुकी है। अगर ये प्रे बॉय आपको कहीं नजर, प्रे बॉय कहीं नजर आए तो इधर टीम बनना है, आपको प्रोटेक्शन चाहिए 100%। क्या दिख रहा है सर? सब मुड़े मुड़े खम्बा देखे इसको, क्या पसंद आता है। तो गाइस अगर आप लोग को पसंद करते हैं तो पसंद करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं रुक, कहां से आते हैं ये? सो गाइस काफी थक चुका हूं मैं, अभी घर आया हूं, रोजा भी बस खुलने ही वाला है। सो यहां पे हमारा व्लॉग आज का एंड होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इस टाइप के और व्लॉग्स चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।